शहर को सुंदर बनाने की कवायद में दुर्ग के थगड़ा बांध का कार्य अब तक जारी, वहीं भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने इस धीमे कार्य पर आरोप लगाए हैं। दुर्ग में करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से थगड़ा बांध का सौंदर्यीकरण जारी है, जिसका हाल ही में प्रशिक्षु आयुक्त IAS लक्ष्मण तिवारी ने निर्माण कार्य का जायजा लिया और कार्य की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार को फटकार भी लगाई थी। साथ ही इस दौरान पिछले दिनों तकनीकी दिक्कतें सामने आई थी, इसके तहत तैयार किए जा रहे आइलैंड तक पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग का प्लान ही नहीं बना। सिर्फ बोट के जरिए ही आइलैंड तक पहुंचने के इंतजाम थे। इसकी जानकारी के बाद पुनः कार्य योजना बनी, स्वीकृति ली गई और काम शुरू कराया गया। वर्तमान में बाउंड्री वॉल का काम जारी है, मगर वो भी धीमी गति से हो रहा है। इस तरह लगभग 3 वर्षों से इसका निर्माण कार्य जारी है, मगर यह अब तक किसी न किसी तकनीकी खराबी के कारण शहर की जनता के लिए तैयार नहीं हो सका है। इस संबंध में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए बेहतर कार्य पर मॉनिटरिंग की कमी बताया। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, मेरे एक ही लाइन की बात है, नियत साफ होगी तो परिणाम अच्छा आएगा। आप दान में दिए हुए ठगड़ा दाऊ की जमीन पे अपने पिता का नाम लिखवाना चाहते हैं तो ये काम कैसे ठीक होगा? 3 साल से दुर्ग शहर की जनता केवल यह सुन रही, ठगड़ा बांध बनेगा बनेगा, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है क्योंकि निगम मत की राशि ठगड़ा बांध में खर्च कर दी गई। इनके बावजूद आखिरकार ठगड़ा बांध बन के लोगों को मिल क्यों नहीं पा रहा है? मनसा वहाँ ठगड़ा बांध को बेहतर बना के पिकनिक स्पॉट बनाने का नहीं है। इस मामले में मैं लगातार कहते आया हूँ कि माननीय विधायक जी अच्छे प्रशासक नहीं हैं, इसलिए वहाँ काम अच्छा नहीं हो रहा है। ठगड़ा बांध में 4 साल हो गया, दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। हजारों ट्रिप मेरी इस बांध का कहा गया, इस बात की पाक साफ जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो काम हो रहे हैं वो योजना विहीन हो रहे हैं, बिना योजना के हो रहे हैं, इसलिए अभी तक यह दुर्ग शहर के नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। मेरा आयुक्त महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द, केवल आपके अधिकारियों के घूम लेने से ठगड़ा बांध का निर्माण नहीं होगा, आप जाएं ठोस कार्रवाई करें, उसके लिए रुपया लाएं। प्रदेश सरकार में माननीय विधायक अरुण वोरा जी की नहीं चलती, इसलिए उनको रुपया नहीं दिया जाता और इस कारण से ठगड़ा बांध का काम अधूरा है। और इसके साथ साथ ठगड़ा बांध, ठगड़ा दाऊ का नाम मिटाने का जो कुत्सित प्रयास वोरा जी के द्वारा किया जा रहा है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।